रात भर सेशन चलाएंगे आप, अमेंडमेंट बताओ आप लोग है ना, जो जो अमेंडमेंट इस बिल में चाहिए बताओ, जो जो अमेंडमेंट चाहिए। विजेंद्र जी, विजेंद्र जी आप सुन लीजिए जरा प्लीज, विजेंद्र जी को विश्वास लेके पूरा आप दो मिनट रुकिए, डायलॉग बोलेंगे सेक्रेटरी क्या होता है फलाना क्या होता है तो आप बोलिए, आपको बैठिए प्लीज बैठिए चलानी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन में लोगों का लाभ हो, लोगों तक उसका लाभ पहुंचे। विजेंद्र जी बात हो गई ना, बैठिए, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, प्रशासक है आप अच्छे नेता हो सकते हैं आप, पर अच्छे प्रशासक नहीं है आप, बैठिए प्लीज बैठिए, बहुत अच्छे नेता है आप, अच्छे प्रशासक नहीं है, सरकार कैसे चलती है। विजेंद्र जी बैठिए आप प्लीज बैठ जाइए, विजेंद्र जी बैठिए, अच्छे नेता है अच्छे प्रशासक नहीं है आप। इस बिल के अंदर कई सारी धाराएं ठीक नहीं है, हम आपके साथ, मैं, आप, हमारे एक दो मंत्री और ये गेस्ट टीचर्स के दो चार रिप्रेजेंटेटिव्स अभी मेरे कमरे में चलते हैं, दो घंटे तीन घंटे चार घंटे बैठेंगे, जो जो इसमें ठीक करना है फिर दोबारा सेशन बैठेंगे, है ना, इसमें ठीक कर लेते हैं, है ना, आप ठीक, आप तैयार हो भाई? अरे विजेंद्र जी फिर प्रोसीजर की बात आ गई भाई, प्रोसीजर, अब ये बिल आप प्रोसीजर की बात आ गई, बोलना चाहता है मैं, आपका पूरा सम्मान कर रहा हूँ, आदर से बात करना चाहता हूँ, मेरा इतना कहना है, देखिए बिल बनाने का काम मेरा और आपका नहीं, हमारा डायरेक्शन देने का काम है, बिल बनाने का काम अधिकारियों का है, बिल वही लाते हैं बना के, प्रपोजल आपकी कैबिनेट में आएगा, हम सजेशन देंगे उनको, बिठाइए आप कि आपको बिल को इस तरह से फॉर्म करिए, हम ये चाहते हैं, हमारी भावनाएं हैं, हमारी डायरेक्शन है, हमारा नेतृत्व है, लेकिन एग्जीक्यूटिव जो अथॉरिटी है बिल को फ्रेम करना, उसको लाना सदन के सामने, वो तो वही करेंगे ना, मैं थोड़ा करूंगा, आप बताइए, हम 15,000 टीचर्स को रेगुलराइज करना चाहते हैं, सारी चीजों को स्टडी कर, मेरे पास अभी ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के मेरे पीछे लग गए, कह रहे ने पता नहीं है आधा आधे, मेरे पास पूरी बात, मेरे पास एक ऑर्डर का नहीं है, मेरे पास बिहार का मामला भी मेरे साथ मेरे पास, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इनको चाहिए थोड़ा म्यूजिक ना दे, मेरा इतना ही कहना है, प्रॉपरली आप बिल बनाइए। अच्छा बैठिए विजेंद्र जी प्लीज, अब इसको अब जरा शांति से बैठ जाइए प्लीज। ये चर्चा मैं इसलिए करना चाहता था, इनके नंगेपन को दिखाना चाहता था, इनके खोखलेपन को दिखाना चाहता था, इनको बेनकाब करना चाहता था। ये कहते हैं इस बिल के अंदर कुछ कमियां हैं, हम आपके साथ सारी रात बैठने को तैयार हैं, आप अपने तो आपके बीजेपी में भी बड़े बड़े वकील हैं, उन वकीलों को बुला लो, वो वकील हमारे हम अपने वकीलों को बुलाते हैं, तुम अपने वकीलों को बुलाओ, बैठते हैं यहीं पर असेंबली में, बैठेंगे बाहर और दोबारा असेंबली का सेशन आज रात को ये बिल पास करके, ये बिल को पास करके फिर ये कहते नहीं नहीं अपने अधिकारियों से, इनको पता है अधिकारियों को इन्होंने डरा रखा है, ये अधिकारी आज हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे, इन अधिकारियों से जो एलजी से फोन आता है अधिकारी उस हिसाब से लिखते हैं, इन अधिकारियों से लिखवाना चाह रहे हैं कि ये मैटर आपका नहीं है, मैटर सर्विसेज का, फलाने का, ढिमके का, अधिकारी ऑब्जेक्शन लगाएंगे और फिर इसी सदन के अंदर बैठ के उन ऑब्जेक्शन को यूं 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 हिलाएंगे, हम अधिकारियों के कैदी नहीं है, आप अधिकारियों के पीछे छुप के राजनीति करते हैं, मर्द के बच्चे हो तो सामने आके राजनीति करो। हमने आज पूरी कोशिश की, लोगों के साथ ये गेस्ट टीचर्स को पक्का नहीं करना चाहते, अगर ये पक्का करना चाहते आज इससे ज्यादा ऑफर मुझे नहीं लगता कि कोई भी सत्ताधारी सरकार जो है वो कभी भी विपक्ष को ये ऑफर देती है कि आओ बैठ के मिलके एक बिल बना लेते हैं और सारी रात में इस बिल को पास कराएंगे, उनकी नियत ही नहीं है इस बिल को पास कराने की, उनकी नियत ही खराब है और अभी तक वो इन लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा तो ये भी कहना है मोटे मोटे तो जैसा मैंने कहा कि दो रास्ते हैं, हमारा रास्ता है हम ये मानते हैं ये एजुकेशन का मामला है, हम आज इस विधानसभा से पास कर रहे हैं और ये एलजी साहब को मानना चाहिए इस बारे में,
उनका मानना है कि नहीं एजुकेशन का मामला नहीं है, सर्विसेज का मामला है, एलजी करेंगे तो एलजी से करा दो भाई, चाहे हम कर दें तुम कर दो कोई तो करे, दोनों मिलके कर दो, फिर एलजी का मामला है तो एलजी कर दे, फिर एलजी क्यों नहीं कर रहे इस बात को, इसका मतलब तुम करना नहीं चाह रहे। मेरा ये भी मानना है कि अगर आज ये लोग इसको कर देते हैं, मान लो एलजी साहब इसको पास कर देते हैं, मैं सारे गेस्ट टीचर्स को कहना चाहता हूं अगली बार सारे जने बीजेपी को वोट दे देना, हमको वोट मत देना, हम ये वोट की राजनीति करने नहीं आए, सारे जने बीजेपी का खूब प्रचार करना अगर ये हो जाता है तो, और अगर ये नहीं होता तो बीजेपी को हराने में कोई कसर मत छोड़ना, खून पसीना बहा देना, बीजेपी दोबारा 3 भी सीट नहीं आनी चाहिए अगली बार इनकी बीजेपी वालों की। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जितनी गेस्ट टीचरों की फाइल ऊपर नीचे हुई, एक बार भी वो फाइल मनीष सिसोदिया जी को नहीं दिखाई गई। पूरी दुनिया के अंदर आज नाम हो रहा है मनीष सिसोदिया का, जो एजुकेशन के अंदर काम हुआ है, शिक्षा के अंदर काम हुआ है, पूरे देश के अंदर आज नाम हो रहा है मनीष सिसोदिया का, शिक्षा मंत्री का, जो उसने शिक्षा में काम करके दिखाया है, लेकिन एक बार भी फाइल ऊपर नीचे, जब भी अधिकारियों से पूछा एलजी साहब ने मना कर रखा है, एलजी साहब नहीं, एलजी साहब क्यों मना कर रहे हैं, क्या छुपाना चाहते हैं एलजी साहब, ऐसा क्या लिखा हुआ इन फाइलों के अंदर जो छुपाना चाहते हैं, जो बाहर निकल गया तो एलजी साहब की पोल पट्टी खुल जाएगी, तो मन में शक होता है कुछ तो गड़बड़ कर रखी है इन्होंने फाइलों के अंदर, क्यों छुपा रहे हैं एलजी साहब। एलजी साहब से मैं कहना चाहता हूं इनमें कोई स्टेट सीक्रेट्स हैं क्या फाइल के अंदर, और हम आतंकवादी नजर आते हैं क्या, कि अगर हमारे हाथ में ये स्टेट सीक्रेट्स लग गए तो हम पता नहीं क्या कर देंगे। एक फिल्म आई थी माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, मैं भी एलजी साहब को कहना चाहता हूं आई एम इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, ही इज इलेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड ही इज नॉट अ टेररिस्ट। इतना घबराने की जरूरत नहीं है, 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं हम लोग, जब पूरे दुनिया के अंदर पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, फलाने की ढिमकी की बात होती है, भाषण बड़े बड़े होते हैं, तो डर किस बात का है, किससे छुपा रहे हो? वो फाइल आरटीआई में मिल जाती है, मुख्यमंत्री को फाइल नहीं मिल सकती, कहते हैं मुख्यमंत्री को फाइल नहीं दिखाएंगे, एजुकेशन मिनिस्टर को फाइल नहीं दिखाएंगे। अरे तुम अपने एसी कमरों के अंदर बैठ के स्कूल चलाओगे क्या? तुम तो फेल हो गए, तभी तो इसकी जरूरत पड़ी मनीष सिसोदिया की, नहीं तो हमको, हमें क्या जरूरत थी राजनीति के अंदर आने की, हमें क्या जरूरत थी आम आदमी पार्टी बनाने की, हमें क्या जरूरत थी, अच्छा खासा हम अपनी जिंदगी जी रहे थे, हमें इसीलिए तो जरूरत पड़ी क्योंकि तुम फेल हो गए थे, और अब तुम हम लोगों को फाइलें नहीं दिखा रहे, ये नहीं चलने वाला, फाइलें दिखानी पड़ेगी, इसको फाइलें नहीं दिखाते अपने मोहल्ला क्लिनिक के, बताओ यूनाइटेड नेशन से इसके पास इनविटेशन आते हैं सत्येंद्र जैन के पास कि भाई आके बताओ क्या कर दिया तुमने मोहल्ला क्लिनिक, पूरी दुनिया में अमरीका के अखबारों में, न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, पेरिस में, लंदन में, सारे अखबारों के अंदर इनकी तारीफ, फ्रांस के टीवी चैनल के अंदर इसकी तारीफ चल रही है सत्येंद्र जैन की, लेकिन वो फार्मासिस्ट लगाएंगे और वो लगाएंगे डॉक्टर लगाएंगे तो इसको फाइलें नहीं दिखाएंगे, क्यों भाई? तुमको ये अकल होती तो हमारी क्या जरूरत थी, तुमको अकल नहीं थी, तुम्हारी नीयत खराब थी तभी तो हमारी जरूरत पड़ी, और अब तुम हमको फाइलें नहीं दिखाओगे, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इन फाइलों। तो मैं फिर से एलजी साहब को कहना चाहता हूं, एलजी साहब हम आतंकवादी नहीं है, हम चुने हुए लोग हैं, हमारा अधिकार है, और अगर आप हमसे फाइलें छुपाते हो तो आपकी हिस्ट्री याद करेगी आपकी नीयत खराब थी, आपने दिल्ली को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, आज मैंने ईमानदारी से इनसे बात करने की कोशिश करी, बीजेपी वालों से तुम्हारी हमसे दुश्मनी है, तुम्हें हमसे नफरत है, इस दुश्मनी को तुम गेस्ट टीचर्स के ऊपर मत निकालो, इस दुश्मनी को तुम दिल्ली के एजुकेशन बच्चों के ऊपर मत निकालो। बड़ी मुश्किल से जब हमारी सरकार बनी थी, हमारा ये सपना था कि हम एजुकेशन को, हेल्थ को ठीक करेंगे, हमें उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी जल्दी ठीक होने लगेगा, गाड़ी धीरे धीरे पटरी पे आने लगी है, अभी भी पूरी तरह से पटरी पे आई नहीं है, कल बाई चांस हमारी सरकार ना रहे ये वापस पटरी से उतर जाएगी, जो आज चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस अभी परमानेंट नहीं है, वो रिवर्सिबल चेंजेस है, 2 दिन के अंदर जो नई सरकार आएगी ऐसी तैसी कर देगी सिस्टम की। हम चाहते हैं चेंजेस ऐसे रिवर्सिबल हों कि कल हम रहे ना रहे, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ का सिस्टम जो है वो बरकरार रहना चाहिए, सिस्टम हमारे पास। तो तुम्हारी हमसे दुश्मनी है, लेकिन राजनीति को इतना गंदा मत कर दो कि जो अच्छे काम हो रहे हैं उनके अंदर भी टांगड़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गेस्ट टीचर्स को, टीचर्स को इज्जत मिले, टीचर्स को पूरे समाज के अंदर इज्जत मिले, उनको सिक्योरिटी ऑफ जॉब मिले, वो अच्छे से पढ़ाएं, ये सबके फायदे के अंदर है, इनके बच्चों के, इनके भी अपने बच्चों के फायदे के अंदर है, इसको सबको सपोर्ट करना चाहिए। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को पूरी तरह से समर्थन करता हूं।
अब विधेयक पर खंडवार विचार होगा। प्रश्न है कि खंड 2 से खंड 11 विधेयक का अंग बने, यह प्रस्ताव सदन के सामने है। जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में है ना कहें। हाँ पक जीता प्रस्ताव पारित हुआ। खंड 2 से खंड 11 विधेयक का अंग बन गए। अब प्रश्न है कि खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बने, जो इसके पक्ष में वे हाँ कहें, जो इसके विरोध में वे ना कहें। हाँ पक जीता प्रस्ताव पारित हुआ। खंड 1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक का अंग बन गए।